ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. माई सेल्फ शिमला शर्मा, हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक. स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट हिंदी लिटरेचर बुक. ओके, एवरीवन टेक आउट योर बुक एंड देन चैप्टर नंबर 1, मेहनत की बेला. निकाला बेटा. कनिष्का, आपने बुक ओपन करी? ओके, गुड. मेहनत आपको पता है, हार्डवर्क. बेला यानी कि समय. तो मेहनत यानी मेहनत करने का समय. इसको स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे इस पाठ के बारे में. अब ये पाठ क्या है बेटा, सबको पता होगा. यह पाठ है पोयम. अब हम पढ़ेंगे पोयम. सब अपना फिंगर हर वर्ड पे रखना है और ध्यान से सुनना है. ठीक है बेटा. एक चीज़ और बता दूँ, आप ही की बुक में पीछे वर्ड मीनिंग भी दिए हुए हैं. वैसे मैं आपको हर वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो आप पीछे से भी देख सकते हो. ठीक है बेटा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पाठ के बारे में, यानी इस चैप्टर के बारे में. ये क्या कहता है? प्रस्तुत कविता में सूर्योदय के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रेरित प्राणियों तथा वनस्पतियों की सक्रियता का वर्णन करते हुए कवि हमें भी आलस्य त्याग कर परिश्रम करने का उपदेश दे रहा है. क्या कहना चाहता है राइटर कवि, कि हमें आलस को छोड़कर मेहनत करनी चाहिए. अब हम क्या करेंगे, यही चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे. किसमें? पोएम में. समझ में आ रहा है? सूर्योदय समझ आया बेटा? किसे कहते हैं सूर्योदय? का मतलब होता है सूर्य का उदय होना. ठीक है बेटा. अब देखते हैं, चले पोएम पे. ओके. सूरज की किरणें जब आती, खिल जाती हैं सब कलियां. अंधकार मुंह छिपा भागता, जगमग होती है गलियां. मजा आ रहा है? अरे वाह, गुड. आलिया को मजा आया? शाबाश. अब सुनो, इसका अर्थ सुनो. कैसे? सूरज की किरणें जब आती, यानी प्रातःकाल सुबह के समय जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, जैसे ही उसकी किरणें चारों तरफ फैलती है तो खिल जाती है सब कलियां. तो क्या हो जाता है बेटा, पेड़ पौधों पे जो कलियां रहती है वह खिल जाती है. अंधकार मुंह छिपा भागता, और अंधेरा क्या होता है, सूरज के उदय होते ही गायब हो जाता है. जगमग होती है गलियां, और सूरज की किरणों से सारी गलियां जो है जगमगा उठती है, यानी चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है और अंधकार क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. चिड़ियां छोड़ घोंसले उड़ती, गाती मीठा गाना. जब जाओ अब तुम भी प्यारे, निद्रा दूर भगाना. आया समझ में? चिड़ियां छोड़ घोंसले उड़ती, सुबह होते ही क्या होता है बेटा, सब पक्षी चिड़ियां क्या करती है, अपना घोंसला छोड़ देती है. क्यों छोड़ देती है? प्रातः होते ही, सुबह होते ही वह अपना दाना पानी खोजने के लिए निकल पड़ती है. अगर वो घोंसले में ही बैठी रहेगी तो वो अपना पेट कैसे भरेगी, अपने छोटे छोटे बच्चों के पेट कैसे भरेगी.
उसी प्रकार चिड़ियों के तरह ही सभी मनुष्य हो चाहे कोई भी हो, सबको बाहर निकलना होता है। किस लिए? अपना भोजन, अपना दाना पानी इकट्ठा करने के लिए। गाती मीठा गाना, और क्या करती है वो? सुबह सुबह सवेरा होते ही मीठा उसकी मधुर ध्वनि हमें सुनाई देने लगती है। देखा होगा ना, जब आप सुबह उठते हो, बाहर निकलते हो, तो सुबह सुबह हमें पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है। जग जाओ अब तुम भी प्यारे, निद्रा दूर भगाना। अब वो क्या कह रहे हैं कि जग जाओ अब तुम भी प्यारे, निद्रा दूर भगाना। यानी राइटर कहता है, किसके माध्यम से? इन पक्षियों के माध्यम से कहता है कि अब तुम भी अपना आलस त्याग कर उठ जाओ। निद्रा का मतलब क्या होता है बेटा? नींद। समझ आ रहा है? निद्रा का मतलब क्या होता है? नींद। तो अपनी नींद को खत्म करके, अपना आलस्य त्याग कर क्या करना है तुम्हें? वापस से उठना है, आलस को छोड़ना है और आगे का काम करने के लिए तैयार रहना है। समझ आई बात? अब देखो आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है, उठकर चलने की ये घड़ियां। घड़ियां का मतलब क्या होता है बेटा? समय। घड़ियां का मतलब क्या होता है? समय। यह मेहनत की बेला, बेला का मतलब भी अगेन समय ही होता है, ठीक है? और घड़ियां यानी क्षण भी कह सकते हैं हम इसको, ओके बेटा? तो उठकर चलने की ये घड़ियां, यह मेहनत की बेला, यानी प्रातः काल जल्दी उठकर हमें एक क्षण, एक पल बिना गवाए मेहनत करने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि हमने इस समय को गवा दिया तो क्या होगा? जिसने इनको गवा दिया उनसे बस दुखी झेला, उसने बस दुखी झेला। यानी अगर किसी मनुष्य ने, झेला का मतलब क्या होता है बेटा? सहन करना। आई बात समझ में? तो वो कहता है कि अगर जिस किसी ने भी इस अनमोल समय को गवा दिया, जिस किसी ने भी इस समय का सदुपयोग नहीं किया, वह क्या करता है? वह जिंदगी भर दुखी सहन करता है। तो आया समझ में? अब हमने पूरी पोयम में, इस पूरी पोयम में हमने क्या पढ़ा बेटा? इस पूरी पोयम में हमने जाना कि क्या करना चाहिए हमें, हमें आलस को छोड़कर प्रातः काल जल्दी उठ कर के मेहनत के लिए कमर कसकर तैयार होना चाहिए। एक बात बताएं कि बिना मेहनत करे हमें सफलता नहीं मिलती, ओके बेटा? बिना मेहनत किए हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है, ओके? जैसे हम घर पे बैठे हैं, फालतू बैठे हैं, हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते और हम कहें हे गॉड, मेरे को एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो क्या गॉड आपका पेपर थोड़ी ना करेंगे बेटा? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करेंगे, जब आप अपना पोर्शन लर्न कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर ऐसा कौन है जो आपके मार्क्स कट करेगा? आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। सो सभी बच्चों को पोयम समझ में आई? ओके, वेरी गुड। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। आप अपना पेज टर्न करो। यस, देखा इस पेज पे आपको दिख रहे होंगे ऊपर, ये देखो इस जगह पे ये आपके शब्दार्थ है, ये सभी आपके वर्ड मीनिंग है। अंधकार, अंधेरा, निद्रा, नींद, ये आपको लर्न भी करना है, ओके बेटा? अब आते हैं हम, आओ अभ्यास करें। सबसे आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम केवल ओरल डिस्कस करेंगे, रिटन हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके? निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण, उच्चारण का मतलब जानते हो क्या होता है?
उच्चारण का मतलब होता है बोलना शुद्ध तरीके से। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है बेटा, किरणें, देन अंधकार, गलियां, चिड़ियां। ओके, इस चिड़िया का मतलब क्या है, बहुत सारी चिड़िया, समझ आया। एंड देन निद्रा, घड़ियां, मेहनत एंड देन दुख। ओके, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, सोच समझकर आंसर बताना है। कलियां कब खिल जाती है, तो क्या कब खिलती है कलियां, सवेरा होने पर कलियां खिल जाती है। ओके, देन अंधकार भाग जाने पर क्या होता है, चारों तरफ उजाला हो जाता है। ठीक है बेटा, चारों तरफ उजाला हो जाता है, अंधेरा भाग जाता है। चिड़ियां घोंसले छोड़कर कब उड़ती है, प्रातः काल, प्रातः, सॉरी बेटा, प्रातः काल। क्या होता है प्रातः काल, चिड़िया अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाती है, समझ आया। तो ये थे ओरल, रिटर्न हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस, लर्न वर्ड मीनिंग एंड लर्न द पोएम बाय हार्ट। ओके, थैंक यू।